नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस के जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। रिलायंस का जून क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आया है, किस सेगमेंट में प्रॉफिट बढ़ा है, किस सेगमेंट में प्रॉफिट घटा है और किस सेगमेंट में रेवेन्यू ग्रो किया है और रेवेन्यू घटा है, इन सारे बातों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिलायंस के लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे, रिलायंस का क्या लेवल्स और टारगेट होना चाहिए, रिलायंस पर रिजल्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कॉलम है हमारा जून 2020 का और ये कॉलम है हमारा जून 2019 का, तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे, साथ साथ पिछले क्वार्टर के कंपेयर में भी हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू, तो जून 2020 का है 95,626 करोड़। और वहीं हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो ये रेवेन्यू काफ़ी डिक्रीज हुआ है, रेवेन्यू में काफ़ी डिक्रीज हुआ है। 1,65,000 करोड़ था और इस बार बात 95,000 करोड़ है, तो रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है। पिछले क्वार्टर के बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है, पिछले क्वार्टर में था 1,43,000 करोड़ रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू में काफ़ी डिक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस का, टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो जून 2020 का है 87,000 करोड़ और जो हमारा पिछले साल 2019 में था जून में 1,50,000 करोड़, तो जो एक्सपेंस है वो भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है। और पिछले क्वार्टर का एक्सपेंस था 1,29,000 करोड़, तो पिछले क्वार्टर से भी एक्सपेंस गिरा है, एक्सपेंस घटा हो तो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन जो हमारा इनकम है, टोटल इनकम, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो जो कि निगेटिव न्यूज़ है एक। अब हम बात करते हैं यहाँ प्रॉफिट बिफोर एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर एक्सेप्शनल आइटम, इन सभी चीज़ से पहले जो प्रॉफिट है वो है इस जून क्वार्टर में 8,220 करोड़, वहीं जो हमारा जून 19 में था 14,341 करोड़ था, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फॉल आया है। और जो हमारा पिछला क्वार्टर है उसमें था 13,519 करोड़, तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है। तो जो हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स और जो सारी चीज़ें हैं उससे पहले प्रॉफिट में भी काफ़ी गिरावट आया है। अब एक्सेप्शनल आइटम देख लेते हैं, एक्सेप्शनल आइटम से जो यहाँ पर लॉस हुआ है या गेन हुआ है वो होता है कि बिजनेस या सर्विस, जो मुख्य बिजनेस है, मुख्य सर्विस है कंपनी का, उससे अदर मतलब उसको छोड़ करके कहीं से अगर प्राप्त होता है गेन या लॉस होता है उसे हम एक्सेप्शनल आइटम में रखते हैं। तो एक्सेप्शनल हुआ अदर, जो कंपनी का बिजनेस और सर्विस है उससे अलग जो प्राप्त होता है, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है 4,966 करोड़, तो काफ़ी ह्यूज नंबर है 4,966 करोड़ का। और वहीं पिछले क्वार्टर में ये जो एक्सेप्शनल आइटम्स था यहाँ पर एडजस्ट किया गया था, मतलब एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पर लॉस हुआ था, अब की बार ऐड हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ था 4,267 का, मतलब ये एक्सेप्शनल आइटम में एडजस्ट किया था, चाहे कोविड-19 हो या अदर कहीं पर एक्सपेंस हुआ होगा उसमें एडजस्ट किया गया था इतना, और इस बार इतना ऐड हुआ है, ऐड हुआ है, तो प्रॉफिट में यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी जंप हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुल टोटल जो हो गया 13,508, और पिछले क्वार्टर में जो एक्सेप्शनल आइटम एडजस्ट किया गया था जिसके कारण प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आया था 9,223 करोड़ का, यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम एडजस्ट करने की वजह से प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आया था। लेकिन हम इसको पैरामीटर्स मान करके मुख्य रूप से चलेंगे कि 13,000 करोड़ एक्सेप्शनल आइटम से पहले जो प्रॉफिट है, और इस बार जो एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट है देखिए काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट एक्सेप्शनल आइटम से पहले का जो प्रॉफिट है, तो ये हमारा मुख्य प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स अन्य स्रोत से प्राप्त जो होता है ये कभी कभी होता है, जैसे कहीं रिलायंस का स्टेक था उसको सेल कर दिया या रिलायंस में कोई स्टेक लिया वो आ गया, तो ये सारा चीज़ जो है काफ़ी कम होता है, तो ये कभी कभी होता है, तो इसको आपको नहीं देखना है, आपको कोर बिजनेस देखना है। रिलायंस के कोर बिजनेस से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया इतना आया, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी कम है, ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो एक्सेप्शनल आइटम से पहले जो प्रॉफिट है वो लगभग 40% का गिरावट है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब रिजल्ट है। ये तो होना ही था क्योंकि इनका जो पेट्रोलियम का कारोबार है, रिफाइनरी है, ये सब कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ है लॉकडाउन में, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे चलते हैं, द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आ गया हमारा 13,000 करोड़, तो यहाँ पर इसमें सारा चीज़ एक्सेप्शनल आइटम्स हर चीज़ मिला हुआ है। उसके बाद जो पिछले क्वार्टर में था 6,546 करोड़, इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है।
उसके बाद यहाँ पर 10,000 करोड़ था जून 19 में, इससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो एक्सेप्शनल आइटम को इंक्लूड करने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में यहाँ जंप दिखाई देता है, जो कि आपको बहुत सारे न्यूज़ में मिल जाएंगे कि रिलायंस में प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है। लेकिन जो बड़े बड़े मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो जानते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम ऐड होने से इतना प्रॉफिट में जंप दिख रहा है, जो कि मुख्य बिजनेस से, मुख्य रिलायंस के सर्विस से नहीं आया है। तो यहाँ पर जो ये रिजल्ट है, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको, इसका कोई खास फर्क रिलायंस के शेयर पर नहीं पड़ने वाला है। साथ साथ अगर हम इसी को ले लेते हैं तो प्रॉफिट में काफ़ी फॉल आया है, उसका भी असर रिलायंस में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ जो रिलायंस में न्यूज है कि जियो में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो आ रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है वो आगे देखता है कि अगर हमारा सिचुएशन नॉर्मल होता है तो रिलायंस का फंडामेंटल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये बात याद रखिएगा, इसके फंडामेंटल्स पे, इसके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ हमारा लॉकडाउन होने के कारण जो पेट्रोलियम का कंजप्शन है वो कम हुआ है। तो ये आपको देखना होता है, नहीं तो आप देखेंगे रिजल्ट तो खराब है, रिलायंस में भारी गिरावट आएगी। तो उसी तरह से आप देखेंगे कल जो था PVR आइनॉक्स, उसका बढ़ गया डेट, साथ साथ इंडिगो लॉस पेश किया, उसके बाद भी शेयर में आज जंप देखने मिला। तो वहाँ आप कहेंगे ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर कहते रह जाएंगे आप जिंदगी भर, आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये देखना है कि आगे जो है हमारा 6 महीने, 1 साल, 5 साल, स्टॉक मार्केट आगे को देखता है, आगे क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट उसे देख करके चलता है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं वो आगे देख करके इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जियो प्लेटफॉर्म में जो है रिलायंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जंप हुआ है, तो इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट उसमें आया। जो बड़े बड़े गूगल है, फेसबुक है, वो बेहतरीन कंपनी, उसमें इन्वेस्ट किया, क्यों? क्योंकि जियो आगे काफ़ी बेहतरीन करने वाला है इसी को देखते हुए। तो ये बातें याद रखना है, एक्सेप्शनल आइटम आप नहीं लेते हैं तो काफ़ी लॉस है प्रॉफिट में, उससे भी रिलायंस पे कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर गिरावट आता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए और ज़्यादा। अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर में यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख जाएगी। तो अर्निंग पर शेयर जब आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर में क्लियर दिख जाएगा, देखिए आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, तो इसको ख़त्म कर दीजिए एक्सेप्शनल आइटम को, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, तो इसको देख लीजिए आप, हर चीज़ एकदम क्लियर मिल जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम वो बिजनेस कंपनी के मुख्य बिजनेस, मुख्य सर्विस से नहीं आया हुआ प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये था जून 19 में अर्निंग पर शेयर 16.94 रुपीज़, जो कि यहाँ पर घट करके, मतलब पिछला क्वार्टर जो था उसमें था 16.63 रुपीज़, और इस क्वार्टर में जो है 12.92 रुपीज़। तो ये देखिए पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी काफ़ी कम हुआ है। तो यहाँ आपको क्लियर पता चल जाएगा जो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है, एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ देने पर काफ़ी ज़्यादा अर्निंग पर शेयर में फॉल आया है पिछले क्वार्टर कंपेयर में और जून 19 के भी कंपेयर में। अगर एक्सेप्शनल आइटम को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्निंग पर शेयर में आपको जंप मिलेगा पिछले क्वार्टर से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी काफ़ी जंप मिलेगा अर्निंग पर शेयर में, पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी जंप मिलेगा अर्निंग पर शेयर में। अब हम इसके सेगमेंट वाइज देखेंगे कि सेगमेंट वाइज जो है कैसा प्रॉफिट रहा है रिलायंस का। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पेट्रोकेमिकल से आया हुआ प्रॉफिट है 3,392 करोड़, और जो हमारा पिछले क्वार्टर में पेट्रोकेमिकल्स आया हुआ प्रॉफिट था 4,553 करोड़, देख सकते हैं काफ़ी कम हुआ है पिछले क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो 50% है उससे भी ज़्यादा का गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस का है। लॉकडाउन जो है, सारी चीज़ें बंद है, कहीं गाड़ी चल नहीं रही है, सारी चीज़ें बंद है, इससे काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम कारोबार पर, ऑयल गैस पर पड़ा है। अब यहाँ पर रिफाइनरी से देखिएगा तो 2,892 करोड़ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि पिछले क्वार्टर से देख लीजिए तो हाफ है, 50% का गिरावट है। यहाँ से देखेगा तो भी गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑयल एंड गैस ये तो निगेटिव में जा चुका है, देखते हैं लॉस पेश किया है ऑयल एंड गैस, 511 करोड़ का लॉस पेश किया है, पिछले क्वार्टर में भी ये लॉस में था और जो जून क्वार्टर 19 था उसमें भी ऑयल गैस निगेटिव में था, मतलब लॉस में था। तो ये सेगमेंट जो है रिलायंस का लॉस में ही चल रहा है। उसके बाद रिटेल में देखिएगा तो 722 करोड़ का यहाँ से प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो भी रिटेल कारोबार में काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है, क्योंकि रिटेल कारोबार भी काफ़ी प्रभावित है। तो जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है रिलायंस के प्रॉफिट में वो क्या है, डिजिटल सर्विस, जिसके कारण रिलायंस के स्टॉक 900 से 2100 तक
मतलब कि उससे भी ऊपर जा चुका है, तो वह है डिजिटल सर्विस। यहाँ से प्रॉफिट अगर जंप किया है तो निश्चित है रिलायंस में तेज़ी आपको बनी रह सकती है। तो यह है 4700 करोड़ का, और यहाँ पे पिछले क्वार्टर से ये काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं जंप है, 4200 करोड़ था, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जंप है, 3121 करोड़ था, तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जंप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो काफ़ी ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा का जंप है, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब फाइनेंशियल सर्विस, इससे बहुत कम प्रॉफिट है, तो फाइनेंशियल सर्विस में भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे सेगमेंट वाइज प्रॉफिट थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पैक्टेड हुआ है, वो है पेट्रोलियम, रिफाइनरी, ऑयल गैस, रिटेल, जबकि डिजिटल सर्विस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है, जिसमें आपको बहुत सारे मतलब गिनती नहीं कर पाएंगे इतने इन्वेस्टमेंट आया है रिलायंस में, वो है डिजिटल सर्विस जियो प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर अब चार्ट पे, तो चार्ट पे देख लीजिए आज रिलायंस इंडस्ट्री 5 रुपीज अप था, कल जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिला था, और वन मंथ में देखिएगा तो काफ़ी भयंकर तेज़ी है रिलायंस में। इसमें तेज़ी का बस एक ही कारण है, इसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। अगर रिटेल बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट आना शुरू होता है, जैसा कि अमेजोन से डील है, अगर वो क्लियर हो जाता है तो निश्चित है रिलायंस में ये तेज़ी आपको बनी रहेगी। तो सीधा रिलायंस में जो तेज़ी है वो न्यूज बेस्ड है, अगर अमेजोन के साथ डील पक्की हो गई तो तेज़ी देखते आपको मिलेगा इसमें। और दूसरा, इसका जो सऊदी अरामको डील है वो भी क्लियर हो जाता है, उस पर जो सस्पेंस बना हुआ है, कोई बोला नहीं गया, कोई क्लियर नहीं किया गया, अगर वो क्लियर होता है, अगर डील पक्की होती है तो आपको काफ़ी तेज़ी देखने मिलेगा। अगर डील कैंसिल हो जाता है कि डील अब नहीं हो सकता है, तो आपको इस स्टॉक में करेक्शन आता हुआ मिलेगा। चाहे सऊदी अरामको डील कैंसिल हो या हो, आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब रिलायंस डेब्ट फ्री हो चुका। डील लेकर के जो मुख्य इंपॉर्टेंस था कि डील सऊदी अरामको से होगा, वह था कि कंपनी के ऊपर डेब्ट काफ़ी ज़्यादा, अब ये कंपनी डेब्ट फ्री हो चुका है, तो अब आप इसमें बेझिझक जब भी करेक्शन में मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है यहाँ से रिलायंस। यहाँ से देखिएगा 99% अभी भी रिटर्न दे रहा है रिलायंस, जो गिरावट आया था पैंडमिक में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे वह पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।